see hereby an observer from a stationary source. Source kisme hai? Is a 10% more than the actual frequency. So what should be the speed of observer? What should be the speed of observer? क्या पूछ रहा है? Zero. क्या पूछ रहा है? Zero पूछ रहा है. Speed of sound in air दिया है 330 मीटर पर सेकेंड और सोर्स किसमें है यहाँ पे रेस्ट में सोर्स किसमें है रेस्ट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है यहाँ देखिए 10% मोर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी यंग का 10% क्या हो जा रहा है मोर हो जा रहा है बढ़ जा रहा है इसका मतलब जो ऑब्जर्वर है वह किधर जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स किधर जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स यानी सोर्स किस में है स्टेशनरी में यानी रेस्ट में ठीक है ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स ये यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ यहाँ पर डिस्टेंस घट रहा है ना डिस्टेंस क्या हो रहा है घट रहा है डिस्टेंस घटना कंडीशन क्या कहलाएगा अप्रोचिंग क्या कहलाएगा अप्रोचिंग कंडीशन कहलाएगा इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या करेगी इंक्रीज करेगी कैसे हम लोग पकड़ रहे हैं कि अप्रोचिंग कंडीशन है क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का कितने गुना अधिक सुनाई दे रहा है ऑब्जर्वर को किसको ऑब्जर्वर को 10 गुना अधिक 10 गुना नहीं है 10 टाइम्स ठीक ना वही 10 गुना अधिक हो जा रहा है इसका मतलब यहाँ यंग डैश इज इक्वल टू बी माइनस वीओ अपॉन बी माइनस बी एस ये हम लोग का क्या है जनरल फॉर्मूला क्या जनरल फॉर्मूला है सोर्स किसमें है रेस्ट में इसकी वैल्यू को क्या लोगे जीरो यहाँ पर भी माइन अब देखिए साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका साइन क्या ले लोगे बोलो नेगेटिव यहाँ लिखोगे माइनस वीओ अपॉन वी माइनस जीरो इनटू एक्चुअल ये दिया है 10% मोर हो जा रहा है यानी यंग प्लस 10% इनटू यंग इंक्रीज कर रहा है ना 10% जब आप जरूर किधर जा रहा हो स्टेशनरी सोर्स के तरफ आज जरूर किधर जा रहा है स्टेशनरी सोर्स के तरफ तो इतना टाइम मोर यानी बढ़ रहा है ना तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया प्लस क्या किया प्लस आप देखो ये भी माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस अपॉन भी इनटू यन ये यन प्लस क्या करोगे 10/100 इनटू यन ये कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा बोलो 1/10 हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 10 यन प्लस यन यानी 11 यन अपॉन 10 इज इक्वल टू भी माइनस भी अपान बी इनटू एक्चुअल ये यन से यन क्या हो जाएगा ये यन से यन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बोलो क्या मिलेगा 11/10 इज इक्वल टू बी प्लस बी ओ अपान बी बी प्लस बी ओ अपान बी ये क्वेश्चन में दिया है इसका वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड क्या है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं और आप जरूर की स्पीड पूछ रहा है ये 11 बी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 10v प्लस 10v मिलेगा, जिसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 11 माइनस 10 v बचेगा, v इज इक्वल टू 10v, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू v अपॉन 10, ये कितना है 330 अपॉन 10, कितना मिलेगा 33 मीटर पर सेकंड मिलेगा। समझ में आया क्यों? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, इससे कैंसिल करोगे तो कितना है 33 आंसर है। कोई ऑप्शन ऑप्शन बी आ करे, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी, और ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है? नंबर ऑफ बिट्स हियर पर सेकंड, यानी डेल्टा एल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एल, और डेल्टा एल इज इक्वल टू n1 माइनस n2, डेल्टा एल इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो कह रहा है कि ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी इज 5%, ये क्या दे दिया डेल्टा एल ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी यह डेल्टा एल कह रहा है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का कितना है 5% है। व्हेन अ सोर्स जस्ट क्रॉस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किसमें है? स्टेशनरी में। ऑब्जर्वर किसमें है? स्टेशनरी में। Then what should be the speed of the source? ठीक है, then what should cross कर रहा है, इसका मतलब source इधर से इधर गया होगा और फिर जाने के बाद फिर इधर चला गया होगा, यानी approaching और receiving condition। तो इसके लिए मैं ट्रिक लिखाया था, डेल्टा एन इज इक्वल टू 2vs अपॉन वी इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, किस कंडीशन के लिए? व्हेन ऑब्जर्वर इज अ रेस्ट बट अ साउंड सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड टू अवे द ऑब्जर्वर, क्रैश करते हुए इधर चला गया, इससे दूर चला गया, इससे दूर चला गया, तो उस कंडीशन में ट्रिक लिखवाया था, फॉर्मूला बताना पड़ेगा, बोलो। डेल्टा एन इज इक्वल टू 2vs अपॉन v इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो डेल्टा एन 5% एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दिया है, ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी ये दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 2, क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ द सोर्स अपॉन क्या है वी इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये एन से एन क्या जाएगा चेंज, इसको 5 अपॉन क्या लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 2 इनटू वी, एस वी दिया है कितना 332 ठीक है, इस कटा सकते हो, कितना बन जाएगा 20 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2vs अपॉन 332, ठीक है 332 अपॉन 2 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या मिला vs, यानी vs इज इक्वल टू 332 अपॉन 40, ये सब कटाओ 8 कुछ आएगा, 4 4 32 ना 8 कुछ आएगा, ऑप्शन सी देखो चेक पे मारा 8.45 मीटर पर सेकंड, ठीक है मीटर पर सेकंड। आसन बात कैसे फॉर्मूला आता है,
ये किस कंडीशन के लिए? देखिए ये बताया गया था when small v is greater than greater than here then v square minus vs square approximately क्या लिया गया था v square approaching condition और receiving condition. approaching condition की frequency को n1 लिया गया था और receiving condition frequency को क्या लिया गया था n2 लिया गया था. n2 लेने के बाद डेल्टा n करने के लिखा है डेल्टा n ड्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n1 माइनस n. ये सबट्रैक्शन करने के बाद अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी और रिसीविंग कंडीशन ऑफ अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन ऑफ रिसीविंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाकर यहां रखे थे तो ये फार्मूला हम लोग का है डेल्टा l इक्वल टू vs अपॉन v इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ठीक है नोट करो क्या कह रहा है. अ मैन इज ऑब्जर्व कर रहा है दैट द ट्रेन वन लीविंग एंड अदर कमिंग. एक आ रही है तो एक आ रही है एक जा रही है तो दूसरी आ रही है विच इक्वल स्पीड विच इक्वल स्पीड. या जो आ रही है या जो जा रही है दोनों का स्पीड इक्वल है यानी ये क्या दिया है वीएस. बोलो ये क्या दिया है वीएस. वीएस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड. इफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है इक्वल है 240 हर्ट्ज then the number of beats here by the man per second अगर sound की velocity इतना है 320 meter per second है तो यानी ये 320 meter per second है तो number of beats per second here by the observer कितना होगा ये पूछ रहा है. ठीक है बोलो तो यहाँ पर क्या करेंगे n1 माइनस n इक्वल टू 2 v अपॉन v इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये दिया है. बोलो 2 v कितना है 4 ये कितना है v 320 और n कितना है 200 ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बढ़ जाएगा और ये 3 बार और 3 और इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा. बोलो बच्चों कोई है ऑप्शन नोट करो ऑप्शन ए. Answer. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. यहाँ हमने बस को रिप्रेजेंट किया ये बस है ये मूव कर रहा है कितने की वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड. इसमें जो बैठे हुए पैसेंजर है ठीक है उस जो बस बस का जो स्पीड होगा वही बैठे हुए पैसेंजर का भी स्पीड होगा. नहीं समझ भाई बात. अच्छा यहाँ पर बहुत बड़ी क्या है दीवार है भुजवा. बोलो भुजवा. तो जब किसी स्पीड से ये इधर जाएगा तो ये आवाज यहाँ से रिटर्न होकर आएगा वापस आएगा. बोलो इसलिए कहेंगे वो कहेंगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है 165 हर्ट्ज 165
5 hour, ये फ्रीक्वेंसी इसमें बैठे हुए पैसेंजर को सुनाई दे रहा है, लेकिन जो इसमें बैठा हुआ पैसेंजर है उसको ये महसूस हो रहा है कि उधर ठीक इधर से कोई बस हॉर्न बजाते हुए मेरे तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो, और इसको मान ले शोर जो टकरा के आ रहा है किससे, दीवार से, ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया, दिया, क्या मान लिया, दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं इमेज ऑफ बस, ये जो बैठे हुए इसमें पैसेंजर है वो इमेजिन कर रहा है कि बस इधर से क्या है आ रहा है, यानी बी है, ये क्या है, दूसरी बात बिहेव एज अ सोर्स, बिहेव एज अ सोर्स, ये बिहेव कर रहा है और ये क्या है पैसेंजर ऑफ द बस, बोलो, ये समझ में बात आई, बोलो। तब यहाँ पर लगाएंगे जनरल फॉर्मूला, यंग डैश इज इक्वल टू यंग बी माइनस बी ओ अपॉन बी माइनस बी एस इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आप जरूर जो साउंड इसको सुनाई दे रहा है यहाँ से टकराने के बाद उसके अपोजिट ये जा रहा है ना, देखिए आप जरूर, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, तो यंग भी माइनस माइनस भी हो अपॉन, ये साउथ डायरेक्शन में है भी माइनस बी एस, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू यंग भी प्लस भी ओ अपॉन भी माइनस बी एस इंटू एक्चुअल, बस मैंने आप देखो यहाँ ये भी है, ये क्या है भी ओ, इसका वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 335 और ये एन दिया है, बोलो, और मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ बस 5 मीटर पर सेकेंड भी ओ दिया है, क्या दिया है भी ओ, और क्या है डीएल, और बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड व्हिच वाज द ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न ऑफ, या ये वीओ और क्या है डीएल, दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल, वीओ और डीएल दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर इक्वल, ठीक है, यहाँ लगाए यंग डैश इज इक्वल टू 160 ब्रैकेट में 335 प्लस कितना 5 अपॉन 335 माइनस 5, समझ में, अब ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्शन, इक्वल टू 165, ये 340 अपॉन 330 होगा ना, बोलो, ये जीरो से जीरो क्या आ जाएगा चेंज, तो यहाँ पे 165 मल्टीप्लाई बाय 34 अपन कितना आएगा 30, इसको कटा दो कितना रहा बोलो, कटाओ कैसे करो कितना आएगा 170 आ गया हर्ट्ज, अब क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, ठीक है, तो अब उसमें डिफरेंस निकाल ले,
ये n डैश है और ये क्या है n, तो 170 में से 165 का सबट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा बोलो, तो 5 ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ बिट्स n डैश माइनस n 170 माइनस 165 5 सबट्रैक्शन करो कितना आएगा 5 वर्ड्स आएगा, इसको क्या चाहेंगे नंबर ऑफ बिट्स पर सके, नंबर ऑफ बिट्स पर सके किसको कहोगे, ठीक है।